तो प्रॉब्लम में अपन को ऐसे बोल रखा है, द टेबल बिलो डिस्प्लेज सम ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द लास्ट समर फ्रोस्ट बाइट फॉल्स फिशिंग फेस्टिवल शोइंग हाउ मेनी कंटेस्टेंट्स कॉट एन फिश फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ एन। तो यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें लोगों ने फिश को पकड़ा था और डिफरेंट फिशेस को पकड़ने वाले कितने पीपल थे वो बता रखा है। जैसे यहाँ पर वो नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने जीरो फिश पकड़ी थी वो 9 थे, जिन्होंने 1 फिश पकड़ी थी वो 5 थे, जिन्होंने 2 पकड़ी थी वो 7 थे। इसी तरीके से यहाँ पर ये 15 फिश पकड़ने वाला यहाँ पर 1 था। तो इस तरीके से 0 to 15 है ये। और अपन को ऐसा बता रखा है, इन द न्यूज़पेपर स्टोरी कवरिंग द इवेंट इट वाज रिपोर्टेड दैट द विनर कॉट 15 फिश, विनर ने 15 फिश पकड़ी थी, और दोज हु कॉट 3 or more फिश, और वो पीपल जिन्होंने 3 या उससे ज्यादा फिश पकड़ी थी उनका अगर एवरेज करें तो वो 6 आता है, 6 फिश ईच। और वो पीपल जिन्होंने 12 और उससे कम फिश पकड़ी थी और उसका अपन एवरेज करें तो वो 5 आता है। तो अपन को बताना है कि फेस्टिवल के दौरान टोटल कितनी फिश पकड़ी गई थी। तो ये अपने पास प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो लास्ट दो स्टेटमेंट है इस पर फोकस करता है। तो उसमें ऐसे बोल रखा है वो पीपल जिन्होंने 3 या उससे ज्यादा फिश पकड़ी थी, तो अगर अपन एवरेज करें तो वो 6 फिश ईच आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन को ये मानना है कि मान लो टोटल फिश एफ पकड़ी गई थी और जो टोटल नंबर ऑफ पीपल थे जिन्होंने पकड़ी थी वो एक्स थे, ठीक है। अब यहाँ से इस एफ में से अगर मैं हटा दूँ 0 वाला पार्ट, 1 वाला पार्ट एंड 2 वाला पार्ट, तो 3 और उससे ज्यादा वाला आ जाएगा। तो एफ में से अगर मैं वो हटाऊं कि 2 फिश पकड़ी थी एंड 7 लोगों ने पकड़ी थी, तो 2 × 7 हट जाएगा, यानी 14 फिश हो गई जो हट गई, एंड 1 × 5 ये हो जाएगा, 5 फिश हट गई, एंड −0 × 9, एंड डिवाइड में नंबर ऑफ पीपल कितने रहेंगे इसमें, एक्स माइनस ये 9 हट जाएगा, 5 हट जाएगा एंड 7 हट जाएगा। सो इतने पीपल हैं, तो ये तो वो फिश हो गई जो 3 है उससे ज्यादा वाली, एंड ये हो गए वो पीपल जिन्होंने 3 और उससे ज्यादा फिश पकड़ी थी। तो ये है, इसका एवरेज अपन को 6 के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन आएगी, तो वो इक्वेशन आएगी अपने पास, अगर देखें तो अपन यहाँ पर कैलकुलेट करें तो एफ −19 डिवाइडेड बाय एक्स −21 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आ गया अपने पास एफ इज इक्वल टू 19 + 6 टाइम्स एक्स −21। सो ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। वैसे ही अपन यहाँ पर सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं दूसरे स्टेटमेंट को यूज करके कि 12 और उससे कम फिश पकड़ने वालों का एवरेज 5 है। तो वो टोटल नंबर ऑफ फिश में से अगर मैं वो फिश हटा दूँ जिसमें ये 13 वाला, 14 वाला एंड 15 वाला है, तो 12 या उससे कम फिश वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर 13 फिश पकड़ी थी 5 लोगों ने, तो ये 13 × 5 यानी 65 फिश हट गई, और 14 फिश पकड़ी थी 2 लोगों ने, तो 14 × 2 एंड 15 फिश पकड़ी थी 1 ने जो कि विनर था। एंड नीचे कितने पीपल बचे, एक्स में से ये अपन 5, 2 एंड 1 को हटा दें तो वो पीपल बच जाएंगे जिन्होंने 12 उससे कम फिश पकड़ी थी, और इनका एवरेज यहाँ पर 5 के इक्वल है। तो अगर अपन इसको सॉल्व करें तो आएगा अपने पास एफ −108 डिवाइडेड बाय एक्स −8 इज इक्वल टू 5, यानी एफ को यहाँ से अपन लिख सकते हैं 108 + 5 टाइम्स एक्स −8, और अपन इसको एंड इसको इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे, और फिर फिश भी निकाल सकते हैं। तो 108 + 5 टाइम्स एक्स −8 इज इक्वल टू 6 × 20 = 19। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पर एक्स की वैल्यू 175 आ जाएगी। तुम सॉल्व कर सकते हो इसको, और फिर फिश निकालनी है तो इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ। सो 108 + 5 × 175 −8, सो टोटल फिश हो जाएगी जो कि टूर्नामेंट के दौरान पकड़ी गई थी, और ये अपने पास अगर तुम देखोगे तो 943 अपना आंसर आ जाएगा। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा,
अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।